नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अंकित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप एफएल स्टूडियो मोबाइल में इलेक्ट्रो पैटर्न किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी दोस्तों हार्ड केक में इलेक्ट्रो पैटर्न किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी में, बिल्कुल पीसी की तरह। अगर दोस्तों आपको अच्छे सॉन्ग रिमिक्स करने हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, थोड़ी सी भी स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों मेन चीज़ होती है इलेक्ट्रो पैटर्न या दोस्तों गाने का जो पैटर्न अच्छा बजना चाहिए, तभी आपका सॉन्ग अच्छा बजेगा। उसकी मास्टरिंग होनी चाहिए, सॉन्ग में अच्छी अच्छी तरीके की चीज़ लगनी चाहिए, तो यही सब कुछ होता है सॉन्ग को क्वालिटी में बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आप सबसे निवेदन है, दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, थोड़ी सी भी स्किप ना करें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, ज़्यादा बात ना करते हुए, तो इस वीडियो में बताऊँगा आपको मैं कि इलेक्ट्रो पैटर्न किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, पहले प्लस कैंग पे क्लिक करना है, ड्रम पे ले लेना है। ड्रम के बाद दोस्तों थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, फिर यहाँ पे होल्ड क्लिक रखना है, फिर दोस्तों प्लस कैंग पे क्लिक करते हैं माय सैंपल। तो हमें सिंपल सा दोस्तों कुछ नहीं करना है, पहले हम एक किक ले लेते हैं कोई अच्छी सी, तो मैं ये किक ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। थोड़ा जो हमारा बीपीएम है थोड़ा से फास्ट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ। हमें जो किक है दोस्तों ये हमें इस तरीके से फोर स्टेप पे लगा देनी है, ठीक है। फोर स्टेप पे लगाने का जैसे हल्का सा बड़ा कर लेते हैं हम कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एक हमें लेनी है दोस्तों हेट, ठीक है, हेट ले लेता हूँ मैं, जैसे कि ये देखिए इसमें से हमने एक हेट ले लिया, ठीक है दोस्तों। हेट को हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको चलो चार नंबर पे लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। हेट लगाने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, हेट की थोड़ी आवाज़ बंदी कर लेते हैं, पर सबके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मिक्सिंग मास्टरिंग है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से देखो किक सुन लेते हैं हम ज़रा, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी किक बज रही है। फिर दोस्तों प्लस के पर क्लिक करते हैं, एक छोटी सी या कोई भी एक क्लैप ले लेते हैं, ये देखिए मैं क्लैप ले लेता हूँ, आपको नया तरीका बताऊँगा पैटर्न बनाने का, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करना। तो दोस्तों हमें क्या करना है, क्लैप को भी फोर स्टेप पर लगा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको एडीएम मिक्सिंग सीखनी है तो मेरे चैनल को जाकर देख सकते हैं, अगर बैकग्राउंड हटाना सीखना है, सॉन्ग का कुछ भी चीज़ सीखनी है तो चैनल को एक बार जाके रिव्यू करें, बहुत अच्छी वीडियो डालता हूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनली मिक्सिंग सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा आप इसे सुन लेते हैं, देखिए मैंने किक का पैटर्न बना दिया है, ये खाली हमारी किक किक का है, ठीक है दोस्तों। अभी इलेक्ट्रो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले किक को सुन लेते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी बज रही है, देखो दोस्तों हमारी जो किक है। फिर इसके बाद हमें प्लस कैंग पर क्लिक करना है, एक इसमें ड्रम पर लेने के बाद एक किक बेसिक होती है जो भी सुनी थी, ये देखिए इसको लगाने से क्या होता है, हमारी जो किक है थोड़ी और हार्ड हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरीके से फोर स्टेप पर लगा देनी है, ठीक है। इसको यहाँ तक मिला लेते हैं, इसकी आवाज़ हल्की मंदी कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से, ये देखिए सुनते हैं दोस्तों। आप हेडफोन ज़रूर यूज़ करिएगा जब मेरी वीडियो देखते हो, जो भी आपको पता पड़ता है कि पैटर्न अच्छी क्वालिटी में है, किस क्वालिटी में है, ठीक है। हमारा जो किक का ही पैटर्न ही बन चुका है। इसके बाद हमें दोस्तों प्लस कैंग पर क्लिक करना है, हमें दोस्तों GMS में जाना है, ठीक है। GMS पैटर्न नहीं बताऊंगा, GMS में जाना है, इसमें कुछ इलेक्ट्रो हैं हम उन्हें ले सकते हैं, ठीक है। संत में जाते हैं, ये इसमें कुछ इलेक्ट्रो हैं तो मैं इसमें कोई इलेक्ट्रो देखता हूँ अच्छी सी, अगर मुझे कोई अच्छी लगती है दोस्तों। इसमें दोस्तों मुझे कोई इलेक्ट्रो सही नहीं लग रही तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। मैं डायरेक्ट वे में जाता हूँ, ये देखिए अपने ही सैंपल में से कोई इलेक्ट्रो लेता हूँ, माय सैंपल, ये देखिए बेसलाइन का फोल्डर, कोई GMS ले लेता हूँ या कोई EDM पे लगे, देखिए कोई GMS लेता हूँ, ये देखिए दोस्तों मैं आज मैंने एक GMS लिया है। इस तरीके से दोस्तों मैं क्या करना है, यहाँ देख लेना है कि यहाँ कहाँ अच्छी बज रही है दोस्तों, देखिए आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। मेरे को चार नंबर थोड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने चार नंबर पर लगाई है, देखिए चार, ये देखिए इसे कट करते हैं, तीन, ये देखिए चार, तीन, इस तरीके से दोस्तों। मैं हल्का सा क्या करना है, इसमें रिवर मार लेने, थोड़ी सी रही है, अब सुनते जाइए, देखिए
इसे हम थोड़ा पैटर्न के साथ सुनते हैं, देखिए। थोड़ा हमारा गलत चल रहा है पैटर्न, ये देखिए हम देखते हैं, 4-3-4-3 हमारे इलेक्ट्रो सही लगी है। हमें इसमें दोस्तों पहले क्या करना है, ड्रम सिंगेंसर में जाना है, सिंपल सा एक स्नेर रोल लगानी ताकि हमारी जो बेस लाइन है वो उठ जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम स्नेर भी लगा लेते हैं इसमें ताकि हमारा जो पैटर्न और अच्छा लगे। देखिए तो इसे पैटर्न के साथ सुनते हैं दोस्तों, देखिए अब इसमें दोस्तों हम एक ढोलक और लगाते हैं ताकि हमारा जो ये या ढोलक या कोई भी लूप लगा लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा बजे हमारे। ये देखिए मैं कोई लूप लगाता हूँ दोस्तों, देखिए तो इस लुक को हम इस तरीके से मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसे आप सुन लेते हैं दोस्तों, देखिए ये देखिए हमारा जो किक का पैटर्न काफी अच्छा बज रहा है, ठीक है दोस्तों। और हम अब पियानो में एक तरीका और है, ये देखिए सिंपल सा ये लुक ले लेते हैं जो मैंने आपको, भाई मैं ज़्यादातर इसी जो इलेक्ट्रो सोटे से यूज़ करता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से इसे लगा लेता हूँ, ठीक है। इसमें मास्टरिंग जो हमें कुछ नहीं करनी, यही रिवर्व, ये आप बस रिवर्व या स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर मैं कभी कभार मारता हूँ, ये देखिए मार के देख लेते हैं कैसा लगता है हमारा। ये देखिए ये देखिए वो पहली वाली इलेक्ट्रो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये दूसरी वाली खूब अच्छी लग रही है। देखिए काफ़ी अच्छी दूसरी इलेक्ट्रो लग रही है दोस्तों। हाँ तो आप इसी तरीके से किसी भी हार्ड किक का पैटर्न बना सकते हैं, इलेक्ट्रो पैटर्न, और कोई भी सॉन्ग अच्छी तरीके से रिमिक्स करें। अगर दोस्तों आपको फुल सॉन्ग रिमिक्स करना सीखना है तो वीडियो नीचे कमेंट करें। और दोस्तों हाँ ये देखिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, मेरे पास ये सब सैंपल्स हैं, मैंने आपको दिखाया है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, पर दोस्तों पर्सनल सैंपल खरीद लेने का और मिक्सिंग सीखने का दोस्तों चार्ज लगता है, तो प्लीज़ चार्ज अप्लाई होगा। पर दोस्तों आप YouTube चैनल द्वारा कुछ भी सीख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ कमेंट करना, ना बोलना कि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भीम जय भारत।